सातवें नंबर पर आता है शतक जमाता है, डैडी को फोन करता है, कहता है पापा आपने जो कहा था कर दिया। सचिन का बेटा 4 विकेट भी लेता है, शतक भी ठोकता है, शार्दुल का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होगा। इधर सचिन का बेटा डेब्यू को तैयार, उधर सहवाग का बेटा भी आएगा। क्रिकेट में परिवारवाद छाने वाला है। कोई दूसरा युवराज इसलिए नहीं आया क्योंकि दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि इसलिए नहीं आया कि युवराज के गुरु उसे नहीं मिले। क्रिकेट के भगवान सचिन को ये बात पहले से ही समझ आ गई। उनका बेटा अर्जुन क्रिकेट तो खेलता लेकिन कोई कमाल नहीं कर पा रहा था। सचिन के पास दो रास्ते थे, एक तो BCCI से सोर्स लगाएं और बेटे के लिए कुछ करवाएं, और दूसरा रास्ता था हार्ड वर्क और संघर्ष का। अर्जुन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अर्जुन शुरू से ही सौरभ गांगुली के फैन है। सचिन ने महज 15 साल की उम्र में 100 रन जड़कर सबको हैरान कर डाला था। इधर अर्जुन ने राजस्थान के खिलाफ 120 रन जड़ डाले। अर्जुन ने एक बात तो साबित कर दिया कि वो पठान की तरह गेंदबाजी कर सकते हैं और युवराज की तरह बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो वही अगर अर्जुन अच्छा खेलते हैं तो शार्दुल का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होगा, क्योंकि अगर अर्जुन अच्छा खेलते हैं तो शार्दुल का बाहर जाना पक्का होगा। तो वही हार्दिक पांड्या अपनी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से टीम के 3D प्लेयर बन चुके हैं। अब अर्जुन तेंदुलकर को भी इसीलिए तैयार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सचिन अपने बेटे अर्जुन को टीम में कब तक करा सकते हैं डेब्यू। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।